चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जब से चांद की सतह पर लैंडिंग किया है तब से लेकर अब तक चांद की दुनिया के भयानक खुलासे कर रहा है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की पहली वीडियो और तस्वीर, देखा चांद के दक्षिणी ध्रुव का खौफनाक मंजर। अगले 14 दिनों तक चांद पर घूमते हुए चंद्रयान करने वाला है बड़ा कमाल। इसरो का यह मेगा प्लान देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज हैरान हो गई हैं। दोस्तों, चांद की कक्षा में पहुंचने से लेकर आज तक इसरो के चंद्रयान 3 ने हर रोज लगभग नई तस्वीर और वीडियो भेजी है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर ने लैंड करते साथ ही एडवांस्ड हाई क्वालिटी कैमरा की मदद से चांद के दक्षिणी ध्रुव की पहली झलक कैप्चर कर ली है और अगले 14 दिनों तक वह बड़े कमाल करने वाला है, जिसका खुलासा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, चंद्रमा आज भी अपने अंदर अनेक रहस्य समेटे हुए है, जिसके चलते दुनिया भर के वैज्ञानिक इसमें काफी रुचि दिखाते हैं। इसलिए इसरो ने चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए अपने प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर खुला छोड़ दिया है और यह रोबोट अगले 14 दिनों तक चांद के बहुत बड़े बड़े खुलासे करने वाला है। वहीं विक्रम लैंडर के एडवांस कैमरास ने चांद पर अपनी लैंडिंग साइट की सबसे ताजा तस्वीर भेजी। इन लेटेस्ट फोटोज में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके चमक रही चांद की खूबसूरत सतह को साफ साफ देख सकते हैं। साथ ही यह भी देख सकते हैं कि चांद की सतह कितनी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है, जिसका यह हाल लंबे समय तक उल्का पिंडों की बारिश की वजह से हुआ है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि चांद की सतह पर इन रहस्यमय गड्ढों के नीचे 1 या 2 किलोग्राम नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है और कई बेशकीमती खनिजों का भंडार हो सकता है, जिसकी रिसर्च करने के लिए विक्रम ने अपने प्रज्ञान रोवर को रवाना कर दिया है। दोस्तों, आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रज्ञान दिन और रात में चंद्रमा की सतह के बदलते तापमान की जाँच करेगा। वह अपने लैंडिंग साइट के पास आने वाले भूकंप की गति और तीव्रता की भी स्टडी करेगा और चांद की सतह के नीचे लेजर किरण फेंककर सरफेस एलिमेंट्स की जांच करेगा। इसके लिए इसके अंदर 4 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं। साथ ही चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर अपने टायर्स की मदद से चलते हुए चांद के दूर दराज इलाकों में भी जाकर खोज कर रहा है और चलते चलते यह इसरो को लगातार डेटा भी भेज रहा है। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर में लेजर इंडक्टेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जैसे 2 पेलोड उपकरण और लगाए गए हैं, जो कि लेजर की मदद से चांद की सतह के अंदर तक जाएंगे और सतह के नीचे मौजूद पानी का पता लगाएंगे। साथ ही यह चांद की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और सिलिकॉन जैसे कीमती खनिजों को भी खोज निकालेंगे और इन रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर चांद के अंदर क्या छुपा हुआ है। यानी अपने इस मिशन में प्रज्ञान रोवर ने यदि चांद की सतह पर कीमती खनिज या पानी का भंडार खोज लिया तो यह इतनी बड़ी कामयाबी होगी कि भविष्य में जब भी चांद का नाम लिया जाएगा तो इसके साथ ही इसरो और भारत का नाम भी जोड़ा जाएगा। साथियों, आपको बता दें कि रिसर्च मिशन चांद के वे लूनर दिन होते हैं जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होते हैं, जिसके बाद चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे और सदियों तक चांद की सतह पर खड़े होकर भारत के नाम का ठप्पा लगा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो ने इसे वापस लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है। वह इन्हें सिर्फ दिन के वक्त ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी 14 दिनों के बाद जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट पर अगले 14 दिन के लिए रात होगी तब इसके सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे इसके सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि इसरो के मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, मगर अब सवाल तो यह आता है कि चांद पर लैंडिंग करना आखिर इतना मुश्किल क्यों है। असल में दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना आसमान से तारे तोड़ लाने के बराबर है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी उतनी नहीं पहुंच पाती जितने चांद के दूसरे हिस्सों पर पहुंचती है। इसी वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चारों तरफ घनघोर अंधेरा होता है। वहीं पृथ्वी से चंद्रमा के इस क्षेत्र की दूरी ज्यादा होने की वजह से लैंडिंग के दौरान कमांड सेंटर का लैंडर से संपर्क टूटने का खतरा बना रहता है। साथ ही चांद पर कोई ऐसा वायुमंडल भी नहीं है जो लैंडिंग के दौरान घर्षण पैदा कर लैंडर की रफ्तार को कम कर सके। इसी वजह से चंद्रमा के इस हिस्से में लैंडिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में किसी भी स्पेस क्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाने का एक ही तरीका है, जिसे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने अपनाया है। दोस्तों, अब प्रज्ञान रोवर अपने आगे के काम कर रहा है और हमें लगातार चांद की सतह से सारे अपडेट्स भेज रहा है, जिससे हमारे वैज्ञानिक आने वाले कुछ दिनों में कई बड़े बड़े खुलासे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 चांद पर पानी की तलाश कर पाएगा या नहीं,
यह बात हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दें, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच जाए। और ऐसी ही रोचक तथ्यों से भरी जानकारी के लिए आप अपने चैनल द फैक्ट आर्मी को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।